इंडस पीपल फोरम जी मेज़बानी में कराची में सिंध के समूरन सियासी मजहबी फिक्री ए फनी धाराओं के अगवाणन चश्मा जेल ब्लिंग कैनार से बिजली घर अडण वाली रिथा के रद्द कंदे मुतालबो किया है त सिंधु दरिया के वहकुरन के बंद कंदड़ बंधन ए बंधन के छोड़े सिंधु के पैं हिस्से जो पानी दिनों वे बिजली ठाने लाय नवा मुतबादिल रस्ता गोल्या वन इंडस पीपल फोरम के इन कॉन्फ्रेंस में सजी सिंधु एक आवाज़ नजर आई ए सभी गजी एक सिट जो एक ही मुतालबो किया सिंधु के पैं हिस्से जो पानी दिनों वे सिंधु के पानी से धाड़ो बंद वे वेझड़ाई वाले अरसे में सिंधु अंदर सियासत ए रियासत अंदर सोचींदड़ लोचींदड़ जो शायद ही को अड़ो कठ थो हो जैमें फनी तोड़े फिक्री सियासी तोड़े मजहबी कौम परस तोड़े मुल्कीर सियासतदान जो एतरो मेड़ गड थो हो सब जे सब यकराय भी थिया होजन त सिंधु सा पानी के मामले में इंसाफ कयो वञे बिजली बहाने सिंधु के पानी के चोराण जो कोशिशों बंद कयो वञन इंडस पीपल फोरम के मेज़बानी में कोठायल इन कॉन्फ्रेंस जो दावतनामो पानी के मुनसफानी विर्छ ए चश्मा जेलम बिजली रिथा बाबत सिंधु जो फरियाद के नाले से जारी कयो वियो हो पर कॉन्फ्रेंस में घुरायल सभी मेहमानन इन गाल ते इतफाक कयो तो वो फरियाद जो इंडस पीपल फोरम कॉन्फ्रेंस की सूरत में फनी माहिरन दानिश्वरन ए सियासतदानन अगां रखियो आहे वो फरियाद रुगो इन फोरम जो न पर सिंध जो ए सिंध में सियासत कंदड़ सभी धुरियन जो फरियाद आहे चश्मा जेलम वारी बिजली रिथा के जितोणीक कुछ ढी अग सिंधु असेंबली भी एक ठहराव जरिए रद्द कर चुकी है पर इंडस पीपुल्स फोरम के मेज़बानी में कोठायल ही कॉन्फ्रेंस जण उन खां वधीक असरायतो आवाज़ हुई छाकाण त इन कॉन्फ्रेंस में नरगो सिंधु असेंबली में मौजूद सियासी धुरियन जहाँ नुमाइंदा मौजूद हुआ पर असेंबली का बाहर वेठल बासर कौम पर सियासतदान फनी माहिर ए दानश्वर पिण शरीक हुआ तेकर ये चई सकजे तो इंडस पीपल फोरम की यह कॉन्फ्रेंस सिंध जो गड़ियल आवाज़ हुई कॉन्फ्रेंस में जो ठहराव पेश किया वह उहे जेतोणीक मुतालबा ही हुआ पर उहे मुतालबा फनी माहिरन जे अंगन कौम परस्तन जे दलीलन ऐं पार्लियामानी सियासत कंदड़न जे गड़ियल मशवरे खां पोए मंजूर कया वया हुआ तंहिं करे उन्हनि ठहरावनि जी हैसियत बि निराली आहे इहो वरी हिकु ॿियो सुवालु आहे त जॾहिं सिंध असेंबलीअ तरफ़ां मंज़ूरु कयल ठहरावनि खे अहमियत न ॾिनी वञे तॾहिं सिंध असेंबलीअ खां ॿाहिरि पास कयल उन्हनि ठहरावनि जी अहमियत वधी वञे थी जेके असेंबलीअ जे अंदरि वेठलनि तोड़े असेंबलीअ खां ॿाहिरि बीठल माण्हू मुफ़क्किर ऐं माहिर गॾिजी पास कनि था इंडस पीपल्स फोरम की कॉन्फ्रेंस में शामिल सिंध जा पानी माहिर आबादगार टेक्नोक्रेट्स सियासी समाजी ए मजहबी पार्टियों जा अगवाण कारकुन सहाफ़ी अदीब दानिश्वर ए चूडल नुमाइंदा पानी की गैर मुनसफानी विर्छ इरसा नेपरा ए वापडा जड़न इदारन तरफा एक तरफा फैसला करण वाले रुझान के मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहंदड़ मानन विच में नफ़रत ए वेछा वधाइण जो सबब समझन था कॉन्फ्रेंस में शामिल सिंध जा समूरा घण घुरा चश्मा जेलम लिंक कैनाल की पुछड़ी ते अजंदड़ बिजली घर के सिंध की ज़रई मईशत लाए एक कापारी धक हणंदड़ मनसूबो समझन था अजोकी कॉन्फ्रेंस सिंध के 5 करोड़ मानन की नुमाइंदगी कंदे वफाकी ए पंजाब की सूबाई हुकूमत के यो याद दियारे थी त चश्मा जेलम लिंक कैनाल को पेरिनल या सदाबहार वाह न आए बल्कि यो एक इंटरमीडिएट यानी कदें कदें हलंदड़ कैनाल है जैमें कानून मूजिब पानी उन वक्त छबो है जडें सिंधु दरिया से पंजाब जो पानी बचल हुए इहा सूरत हाल तमाम घट मौकन ते थींदी आहे तंहिं करे उन कैनाल ते बिजली घर जो मनसूबो जोड़न जो सीधो सो मकसद सिंधु दरिया मां सिंध जे हिस्से जो पानी खणण आहे चश्मा जेलम ए तौसा पनंद कैनाल मुसलसल वहाइण थल कैनाल जे मनसूबे के अमली जामो पहिराइण ए चश्मा जेलम बिजली घर जो मनसूबो जोड़न के सिंध जा मानू पेंजे हकन ते धाड़ो समझन था जैजे करे मंझन महरूमी ए बेवसी जो एहसास इंतहाई तेजी से वधी रो है अजोकी कॉन्फ्रेंस सिंधु दरिया के अपस्ट्रीम ते वेठल पेंजन भायरन ए इक्तदार के ऐवानन में वेठल हुक्मरानन जो ध्यान सिंध की साहली पट्टी ना छिकायण चाहे थी जिते पानी खोट सबब लखें एकड़ जरई जमीन समुंड पाए वो है जैजे करे लखे मान जो रोजगार उन्हन जा माग ए कब्रिस्तान अझा समुंड गिह वो है ये मानू लड पलाण ते मजबूर थी वह जे उन मसले दां फौरी तौर ध्यान न दिनों वो
तो कुछ साल में बदीन ठट्टो शहर भी समुंड की लपेट में अची वा। बे तरफ सिंध की डेल्टा वाले इलाके में लखे माहीगीर बेरोजगार थी वन, तमर जा बेला तबाह थी वन, पले समेत मच्छी जा केतरा ही नायाब नसल अणलब थी वन। सिंध में पानी की खोड़ सबब लखें एकड़ से मुश्तमिल कच्चे वारो इलाको मुसलसल सोकड़े के मुंह डेई रो है, जैसे करे उते थींदड़ ज़रात मुकम्मिल तौर तबाह थी वही है। उनसा गडोगड पानी खोड़ के करे सिंध के अक्सर ज़िलन जो जर जहरीलो खारो थी वो है, जेका गाल ईंदड़ वक्त में एक खौफनाक सूरत हाल जो रूप धारे सके थी। अजोकी ही कॉन्फ्रेंस समझे थी तो मुल्क में बिजली की खोड़ जो सबब जान है कालाबाग बया डैम अडण तोड़े चश्मा जहलम ए तौसा पंडंद कैनाल से बिजली घर अडण वा मनसूबा कें भी रीत नेकनीयती बधल ना त बिजली के बोहरान के मुंह दियण लाए थर कोल समेत मुतबादिल तवानाई जहा बया केतरा ही जरिया इस्तेमाल कर सकजन था, जेके सस्ता होजन से गडोग गैर मुतनाजा पिण आन। कॉन्फ्रेंस समझे थी तो पानी के मसले से राय कमीशन एंडरसन कमेटी सिंध पंजाब वाटर एग्रीमेंट 91 जो पानी ठा अबासी कमेटी के रिकमेंडेशन से अमल के हवाले से अप स्ट्रीम तरफा मुसलसल वेसा घातू थी रन। कॉन्फ्रेंस समझे थी तो सिंध की नुमाइंदा असेंबली तरफा कालाबाग डैम थल कैनाल चश्मा जहलम लिंक कैनाल से बिजली घर अडण के मनसूबे ए पानी बाबत बिन मामलों से पास कल करारदाद के मसबत मोट न डनी वही है, जेका गाल फेडरेशन के बुनियादी असूलन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तें करे सिंध के अवाम की नुमाइंदगी कंदे ही कॉन्फ्रेंस मुतालबो करे थी तो सिंध के मानुन के नुमाइंदा फोरम सिंध असेंबली के समूरन करारदादन के मसबत मोट डनी वे। चश्मा जहलम ए तौसा पंडंद कैनाल से तजवीज़ कल बिजली घर वा मनसूबा फौरी तौर खत्म करण जो ऐलान किया वे। कालाबाग डैम समेत सिंधु दरिया से को भी डैम न ठा वे। मुल्क अंदर पानी के मुनसफानी विर्च के यकीनी बनाने लाए घुर्बल कदम खाया वन। बिजली के बोहरान के मुंह दियण लाए तवानाई पानी ए बन शोबन के माहरन ए समूरन लागापल मानुन से सलाह मसलत करे एक अड़ी जामे हिकमत अमली जोड़ी वे, जैमें सिंध पंजाब बलोचिस्तान ए सरहद समेत मुल्क के बेन इलाक में मानुन जी राय ए मफादन के भी एड्रेस कल हुए। ठट्टे बदीन डेल्टा ए कच्चे वारन इलाकन में आयल तबाही सबब बेरोजगार थींदड़ ए लड़ पलाण कंदड़ मानुन जी मदद लाए हंगामी बुनियादन ते कदम खाया वन। आखिरी मुतालबो है तो कराच कोटली डाउन स्ट्रीम ते 10 मिलियन एकड़ फिट पानी छड़न वाली जेका कमिटमेंट है उन ते फौरी तौर अमल कयो वने। इंडस पीपल फोरम जी ही स्टेज सिंध जी सोच ए लोच जो ओ गुलदस्तो पे लगी, जैमें ख्यालन जे खुशबू जा सभी गुल मौजूद नजर पे आया। इंडस पीपल फोरम के इन कॉन्फ्रेंस जो इफ्तिताह सुबह जो 11 वगे धारे थो। कॉन्फ्रेंस की पहली निशस्त बदस्तूर दानिश्वरन ए फनी माहिरन की विहक हुई, जडें बी विहक में सियासी अगवाणन पैं ख्याल इजहार किया। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इंडस पीपल फोरम के सरवाण डॉक्टर करीम राजपर पैं इन मकाले पढ़ने से कई, जो उनवान हो पानी ए बिजली जो मसलो मुल्की बधी ला खतरो। डॉक्टर करीम राजपर पैं मकाले में चाहिए इन वक्त ताई सबसे पहले पाकिस्तान जो नारो हणी दरअसल मखसूस मफादन जो तहफुज कयो वेंदो रहो आए, जै सबब असा माजी में मुल्क टोड़ियो ऐं हाणे बि उन में डारू विझी रहा आहियूं। हिन चयो त पाणी ऐं बिजली जो मामलो एक बम के घड़ियाल के सुइन वांगे टिक टिक करे रहो आए, पर उन ॾांहुं हाकमन जो को बि कन ऐं ध्यान नाहे। पाणीअ जे खोट जी तारीख़ ॿुधाईंदे डॉक्टर करीम राजपर उहे 5 सबब ॿुधाया जंहिं सबब पाणीअ जी खोट पैदा थी आहे, जंहिंमें पहिरियों सबब पंजाब जे 3 दरियाहनि जो हिंदुस्तान खे विकिरो, ॿियो सबब सूबनि ऐं ख़ासि करे सिंध ऐं पंजाब विच में पाणीअ जी मुनसफाणी विर्छ जो न हुजणु, ऐं टियों सबब सिंधुअ खे पाणी फराहम कंदड़ बर्फ़ानी पहाड़नि जो रिझणु, ऐं चोथों सबब आबपाशी निज़ाम जा नुक़्स, ऐं पंजो सबब घणे पाणीअ वारनि फसलनि जी पोखाई शामिलु आहे। डॉक्टर करीम राजपर पाणीअ जी खोट जे समूरनि सबबनि जी तफ़सीली निशानदेही कंदे तजवीज़ ॾिनी त पाणीअ जे ज़खीरनि खे ज़राअत लाइ बचायो वञे ऐं वधंदड़ गर्मीअ खे रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि। पाणीअ जे दरिया खां फसल ताईं पहुचण दौरान थींदड़ ज़ियान खे घटायो वञे ऐं थोरे पाणीअ ते पचंदड़ फसल पोखराया वञनि,
माण्हुनि खे आम ज़िंदगी में पाणीअ जे बचत जा तरीक़ा सेखारिया वञनि ऐं समुंड जे चाढ़ खे रोकण लाइ ऐं ज़मीनुनि खे समुंड जे खारे सेक खां बचाइण लाइ रोज़ानो समुंड में 10,000 क्यूसिक पाणी छॾियो वञे। We are continuously pushed to follow the slogan of the Pakistan First, but the many acts of our responsible persons and institutions are showing that they are working against this popular priority. When they think of Pakistan, they think of some privileged class as the whole of the country. This attitude has broken the country in the past, and this practice is still going on at all the scale without realizing the establishing cracks which are shaking the basic body of our nation. We are madly busy in addressing the non-issues while the real issues are silently narrowing the noose around the neck of the nation. Most of the politicians are playing the self-interest game with all the deadly weapons of hypocrisy, conspiracy and corruption. The state elements are struggling to clear up the anti-state mess created by themselves since last 30 years due to overobeying the global actors. No one is listening to the ticking of some politico-socio-economic time bombs right in the pulse of the nation. Water and power issue is one of these bombs. If we did not take care of it, then it will make us remember our worst past. I will try to briefly explain the water and power issue. Further, it will be explained by the senior experts from all over the country. First is the water issue. The history. Water issue is the most ancient feud in between the present provinces of Pakistan. Especially, it is a life and death issue in between the Sindh and Punjab. The increasing water scarcity in Pakistan has 5 reasons. First, due to selling of 3 Punjab rivers to the India or Pakistani rivers to the India. Secondly, due to unjustified distribution of water in between the provinces, especially the Sindh and Punjab. Third, due to melting of Indus Basin glaciers by increased global warming. Fourth, due to the technological poverty of our irrigation system. Number fifth is due to the harvesting excessive water consuming crops. Dr. Karim Rajpur chayo ta gadal qomun je idare ai Hindustan je maholiyat wari wazarat je tahqeeq mujib Himalaya ja barf wara jabal jeke nande khand ke pani firaham kan tha ue tezi sa vigri raha hain ai 2035 isvi mein yani aj kha 25 saal poe barfani jabalan je gari wanjan baad पाणी न बचंदो ऐं उन वक़्तु दुनिया जी आबादी ॿीणी थी चुकी हूंदी। इहा हिकु ख़तरे जी ॻाल्हि आहे, तंहिं करे असांखे ज़िंदह रहण लाइ मनसूबा जोड़णु घुरिजनि ऐं उन्हनि ते हाणे खां ई अमल शुरू करणु घुरिजे। कोयले, सिज ऐं हवा मां बिजली पैदा कई वञे, जोहरी बिजली घर ॾिया वञनि ऐं समुंड में मौजूदु मीथेन गैस मां पिणु बिजली पैदा कई वञे ऐं इहे सभु उपाउ वठी पाकिस्तान खे उन जे समूरनि शहरनि जे रहण जोॻो मुल्क बनायो वञे। फज़लुल्लाह कुरैशी जे सदारत में थियल पहिरें इजलास में जिन दानिश्वरनि पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार कयो, तिन में पाणीअ जे मामले ते मुस्तक़िल तौरु लिखंदड़ नाले वारे सहाफ़ी अताराजड़, सिंध आबादगार बोर्ड जे सरबराह अब्दुल मजीद निज़ामाणी, अॻूणे सेनेटर काज़ी अब्दुल मजीद, बैरिस्टर ज़मीर घुमरे, ऐवान ज़रात सिंध जे सरबराह नदीम कमर, पाणी माहिर नज़ीर मेमण, फिशर फोक फोरम जे सरबराह मोहम्मद अली शाह, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराचीअ जे अॻूणे चेयरमैन शफ़ी मोहम्मद जामोट, कराची प्रेस क्लब जे सदर इम्तियाज़ खान फारान, रोज़ाना सिंधु जे एडिटर ख़ालिद खोखर, नाले वारे दानिश्वर इनाम शेख, सिंध आबाद गार बोर्ड जे सेक्रेटरी महमूद नवाज़ शाह ऐं ॿियनि पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। चश्मा जेलम बिजली घर, सिंध जे पाणीअ ते लॻंदड़ धाड़नि ऐं मुल्की तोड़े सिंध जी सियासत ते हिननि तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। तफ़सील, तबसरा ऐं तशरीहूं घणे भाङे सबकनि जूं पंहिंजूं पंहिंजूं हुयूं, पर इलाज ते सभई हिकु राय हुआ त पाणीअ जी विर्छ इंसाफ़ भरी थियणु घुरिजे। सियासी इजलास जी सदारत सिंध असेंबलीअ जे स्पीकर निसार अहमद खोड़े कई, जॾहिं त महिमाननि में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻवान सरदार रहीम, सिंध तरक़ी पसंद पार्टीअ जो सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी, जिस्कम चेयरमैन बशीर ख़ान कुरैशी, सिंध यूनाइटेड पार्टीअ जो सरबराह सैद जलाल महमूद शाह, अवामी तहरीक जो सदर अयाज़ लतीफ़ पलीजो, कम्युनिस्ट पार्टीअ जो अॻवान कामरेड इमदाद काज़ी, सिंध जमहूरी काउंसिल जो अॻवान हरीफ चांडियो, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जो अॻवान ग़ुलाम हुसैन ख्वाजा, फंक्शनल मुस्लिम लीग जो इम्तियाज़ शेख,
सिंध जो आपाशी वारो वजीर सैयद मुराद अली शाह, सिंध जी सकाफत वारी वजीर शशि पली जो, जमीयत उलमा इस्लाम जो अगवान ताज मोहम्मद नायू, मुतहदा कौमी मूवमेंट जो ख्वाजा इजहार उल हसन, अवामी नेशनल पार्टी जो शाही सैयद, जी एस एन कॉम्प्रेस पार्टी जो सरबराह कमर भट्टी शामिल हुआ। अज दरिया के मसले ते या सिंध के फुरलुट इस्तसाल के मसले ते सब धुरियों गड रही हाँ वेही चवन तो असा अज आयो को चेन अस गुनाह में शरीक ना हूं पर आउं समझा तो सिंधु की सारी तारीख पई है सिंधु दरिया चवन तारीख में जै मौज मस्तन में वहद हो सिकंदर आदम जड़ो बादशाह जै सी दुनिया फतेह कई उन्हीं की दिल भी डकी वी हुई जो अज उन्हीं दरिया में वारी जा तूफान पाया उडामजन पानी कोने को वेही वरी हाँ दलीलबाजी क्यों तो न अस इन गुनाह में शरीक ना हूं इन्हीं गुनाह में शरीक बिल्कुल रहा जे इक्तदार में धुरियं रही हैं हाँ असा जैसे वाकई चूं ता त चश्मा जेहलम लिंक कैनाल ते पावर प्लांट न ठहन खपे या सिंधु दरिया ते जो कब्जो थे पो मुसलसिल जो आसो ही दरिया ते कब्जे करण के लिए डैमन जी कदें कालाबाग डैम तो अगे अचे कदें पाशा डैम तो अचे कदें कड़ा डैम त अचन छो उन हर सूरत में असाजे दरिया ते कब्जो करणो असाजे पानी ते कब्जो करणो बाकी बिजली जो पैदा करण जा दलील दई ही छो त अज दुनिया के अंदर बिजली पानी को सवाए बिन तवानाई जरिए जे थ्रू भी पैदा थी सके थी पर हनन जो मकसद ही यो है त दरिया ते कब्जो कजे नेप्रा बिजली जो टैरिफ तय थी करे छा सिंध गवर्नमेंट उनके केड़े फोरम ते उनके चैलेंज कयो सीसीआई में चैलेंज कयो कोर्ट में चैलेंज कयो कें भी नते चैलेंज कयो जो आज ये बी डाके ते हूं अज जो वेठा ही करूँ हि बो डाको अच्छे पैर डाके रखते अगर तहजी हुकूमत उनके चैलेंज करे हा तो उनके बे डाके ते कदम रखने की जरूरत न पवे हा हाँ असि उनके वेठा में नो करूँ तो वो भाव आयो वो भाव आयो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ न टेक्निकल इशू है न टेक्निकल इशू है न ये आम इशू है कि जिसको जिसके रास्ते से हम इसका हल निकाल सकते ये इशू ही बेसिकली पोलिटिकल इशू है जब तक हमें पॉलिटिकल मजबूत आवाज यकजा नहीं करनी होगी तब तक ये नहीं रुकेगा 88 में जब मियां नवाज शरीफ ने ये अनाउंस किया था तो उस वक्त भी हमने सिंध के काफी खैर ख्वाहों से मशवरा किया था किन लोगों की ये राय थी कि अब वो तय हो गया है अभी नहीं रुकेगा लेकिन हमने ये कहा था कि हम अपना तारीखी फर्ज अदा करेंगे कल तारीख में हमें यह न गाली मिले कि ये रहे थे और ये चुप रहे थे मैं सिंध के तमाम मोहबे वतन लोगों को दावत दूंगा कि पानी के इशू पे मुत्तफिका और एक कुवत बनने के लिए और एहतजाज और प्रोटेस्ट और उसके लिए एक यक आवाज होना चाहिए। एक जगह पे वो मोहसिन लगारी साहब फरमा रहे थे क्या फरमा रहे थे कह रहे थे 70% गंदम हम पैदा करते हैं पंजाब सारे पाकिस्तान को क्यों दे कह रहे थे 50% से ज्यादा चीनी हम पैदा कर रहे हैं क्यों दें 70% गंदुम 50% चीनी चीनी और गंदुम बाजार में जाके पैसे देंगे खरीद लेंगे चीनी और गंदुम ऐसी चीज नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल ना हो हम पाकिस्तान की 70% गैस पैदा करते हैं और 60% से ज्यादा पेट्रोल पैदा करते हैं जाए खरीद के दिखाए गैस और पेट्रोल खोदे अपनी जमीन को निकाले गैस और पेट्रोल के जखीरे तो पता चले कि वो कैसे निकलती है गंदुम हम भी पैदा कर सकते हैं पानी दें जितनी चाहे गंदुम हमसे लें क्या बात कर रहे हैं